हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। तो यार जो भी स्टूडेंट्स जोसा की काउंसलिंग कर रहे थे उनके लिए भी राउंड 6 का रिजल्ट कल आया था। आज शाम 5 बजे तक विड्रॉल की लास्ट डेट एंड टाइम था। तो जो भी स्टूडेंट्स जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, आईपीयू, यूपीटीयू या फिर अपनी राजस्थान एमपीडीटी जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें वहाँ पर सीट मिली हुई है और वो यहाँ से विड्रॉल करना चाहते थे वो विड्रॉल नहीं कर पाए हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका डाउट आ रहा है कि सर हम विड्रॉल करना भूल गए, हमें नहीं पता था आज शाम 5 बजे तक ही विड्रॉल होगा, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है कि अगर आप अपनी पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करते हो तो आपका 6,000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी में से काट करके आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को विड्रॉल करना था और वो विड्रॉल करना भूल गए हैं तो उनके 6,000 काट करके उनके पैसे वापस आ जाएंगे अगर वो पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं देते हैं और उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमें सीट सिक्योर करनी है, हमें यहीं फ्रीज करना है, तो वो अपनी पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर देना जो कि 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली है, उसे ज़रूर याद से कर देना। अगर नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जोसा से सीएसएम में जाना है लेकिन जो सीट जोसा में मिली हुई है उसको सिक्योर करके सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करनी होगी 21 अक्टूबर तक जो 19 से 21 होने वाली है। उसके बाद आप सीएसएबी में रजिस्ट्रेशन कर देना जो 26 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें आप अपर चॉइसेस ही फिल करना, जो आपको मिला हुआ है उससे अच्छे ही चॉइसेस फिल करना जिससे कि अगर वो मिले तो आपकी ये सीट कैंसिल हो जाए। अब स्टूडेंट्स का डाउट ये भी आ रहा है कि सर क्या पार्शियल एडमिशन फ़ी एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे जो हमने जोसा में की हुई थी वो क्या वेस्ट हो जाएगी? तो यार बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जितना भी पैसा जोसा में दिए हो या फिर सीएसएबी में देने वाले हो वो सब आपकी एडमिशन फ़ी में एडजस्ट हो रही होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी अपडेट्स एंड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, आपको सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिल रही होंगी। ऑल द बेस्ट गाइस।